आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने ब्याज दरों को बरकरार रखा है। 6 में से 5 सदस्य दरें बरकरार रखने के पक्ष में थे। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, उन्होंने ये कहा है। साथ ही FY24 में महंगाई दर 4% के ऊपर रह सकती है। The MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. India's real gross domestic product, that is real GDP, recorded a growth of 7.2% in 2022-23, stronger than the earlier estimate of 7%. ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विश्वनाथ नायर जुड़ चुके हैं, जो ज्यादा जानकारी देंगे। जी सर, बताएं क्या क्या शक्तिकांत दास ने किन किन बातों का जिक्र किया है। लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह की महंगाई दर रहने वाली है, कितनी परेशानियां लोगों को आने वाली। जी सो अर्जू, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये कहा है कि फिलहाल जो भी दरें मेंटेन रखी जाएंगी 6.5% पे, जो एमपीसी के सारे मेंबर्स, जो 6 मेंबर्स हैं एमपीसी में, सब ने यही डिसीजन को सपोर्ट किया है। हालांकि जहां तक स्टांस का सवाल है, यानी कि जो आरबीआई अपनी तरफ से बताता है कि हम आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, उस स्टांस के हिसाब से अभी भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि जो कोविड के समय पर जो भी आरबीआई ने ईज़ किया था सिचुएशन को, वो सारा का सारा वापस लिया जाएगा। जब तक वो पूरा का सारी ईजिंग मेजर्स को वापस लिया नहीं जाता है, तब तक आरबीआई अपने डिसीशन से ज्यादा हटेंगी नहीं। तो ये जो पॉज जो आरबीआई ने अनाउंस किया है, ये शायद काफी देर तक, काफी समय तक रहने वाला है। जहां तक हम महंगाई की बात करते हैं, तो वहां पे इन्फ्लेशन पे आरबीआई का ये कहना है कि इस पूरे साल में, यानी कि FY24 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जो महंगाई की दर है, वो आरबीआई के टारगेट, यानी 4% इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर ही रहेंगी। तो इसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि आगे जाके शायद आरबीआई को रेट कट करने के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अगर महंगाई की दर जो अपने टारगेट से ज़्यादा रहेंगी तो आरबीआई रेट कट्स नहीं कर पाएंगे। और उसी तरफ आरबीआई ने यह भी कहा है कि ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो 6.5% रहेगी FY24 में, जो FY23 में 7.2% थी। तो शायद ग्रोथ रेट भी थोड़ी कम होने की संभावना है, ये आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्पीच में कहा है। बिल्कुल, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने एक और बात का जिक्र किया है विश्वनाथ। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, बेशक इस साल महंगाई दर में जरूर बढ़ोतरी हो। ये बात आरबीआई गवर्नर ने बहुत क्लियरली बताई है कि जहां तक रुपी का सवाल है, तो भारत का जो रुपया है वो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी हद तक सेफ है। जहां तक हमारी ग्रोथ रेट की बात चल रही है, तो फिर भी 6.5% पे भी इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले मार्केट्स में से एक रहेगा। और ये भी आरबीआई ने कहा है कि जहां तक हमारे आर्थिक जो सिचुएशन है, जो कैपिटल एडिक्वेसी, जो हमारी फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन रहेगी, ये सब भी काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगी, आगे जाके ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। हालांकि जो महंगाई की दर है, उस पे जरूर आरबीआई काफी हद तक ध्यान रखेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विश्वनाथ नायर इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महंगाई पर बिल्कुल जिस तरह से अर्जुन की आंख थी मछली की आंख पर, बिल्कुल वैसे ही नजर बरकरार रखनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूत स्थिति में है।